आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मूंग काली मिर्च की रेसिपी। यहाँ मैंने लिया है 500 ग्राम चिकन, इसे मैंने अच्छे से धो लिया है, 150 ग्राम फैटी हुई दही, 4 छोटे चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। मसालों में मैं यूज़ कर रही 1 चम्मच कूटी हुई काली मिर्च, ये दरदरा रहेगा, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। यहाँ मैं यूज़ कर रही 2 छोटे चम्मच दूध की मलाई। अगर आपके पास दूध की मलाई नहीं है तो आप अमूल फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, और नमक स्वाद अनुसार। मैंने यहाँ पैन में 50 ml ऑयल गरम कर लिया है। अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। सबसे पहले हमें अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भून लेना है ताकि इसका कच्चापन जो है वो हट जाए। मीडियम फ्लेम में अदरक लहसुन के पेस्ट को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें जो कच्चापन है वो भी नहीं है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन। इसको अच्छे से मिला लेंगे। चिकन को अच्छे से मिलाने के बाद इसे पानी देके मीडियम फ्लेम में हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हमने थोड़ा सा ही पानी यूज़ किया है, ज़्यादा पानी नहीं यूज़ करेंगे। फिर एक बार अच्छे से मिला लेंगे। पाँच मिनट के लिए हमने इसे लो टू मीडियम फ्लेम में छोड़ दिया था। अब मैं इसमें ऐड करूंगी दही। तो साथ ही इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। अच्छे से मिला लेना है। अब इसे हम छोड़ देंगे 7 से 8 मिनट तक मीडियम फ्लेम में। आठ मिनट हो चुके हैं, चिकन भी काफ़ी टेंडर हो चुका है। आप देख सकते हैं चिकन अच्छे से टेंडर हो गया है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी काली मिर्च, लाल मिर्च और मलाई। सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से मिला लेना है। दोस्तों, ये जो ग्रेवी है धीमे आंच पे ही हमें इसे थोड़ा सा खुश्क बना लेना है। इसे हम धीमे आंच में ऐसे ही स्टर करेंगे ताकि मसालों का जो फ्लेवर है इसमें अच्छे से चला जाए। दोस्तों, ये बहुत ही कम से कम इंग्रेडिएंट में तैयार होता है, लेकिन टेस्ट में ये बहुत ही अच्छा लगता है। अभी इसकी जो ग्रेवी है वो काफ़ी हद तक ड्राई है और अभी ये बिल्कुल रेडी है। तो दोस्तों, ये रही मूंग काली मिर्च की रेसिपी। ज़रूर बनाएं घर में और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा। साथ में प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।